Hello everyone, welcome back to my channel Infinity Research. Hope all of you doing well and fine. My name is Preeti, I am research scholar at IIT Bombay. तो इस चैनल पे हम PhD एडमिशन के एडवर्टाइजमेंट और नोटिफिकेशन डिस्कस करते हैं। तो आप यहाँ पे मेरे लेटेस्ट वीडियोस देख सकते हो या फिर प्लेलिस्ट में जाके आपके फेवरेट इंस्टीट्यूट के हिसाब से वीडियोस चेक कर सकते हो। मेरे अपकमिंग वीडियोस के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के बाद आपको कुछ भी डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करके या फिर टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके पूछ सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआईटी भिलाई के बारे में। तो आईआईटी भिलाई की तरफ से पीएचडी के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं। उसके लिए आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, विच इज iitbhilai.ac.in। उसके बाद आप ट्रैक करके नीचे जाओगे। या फिर आपको यहाँ पे एडमिशन सेक्शन मिलेगा, वहां पे आप पीएचडी सिलेक्ट कर सकते हो। तो पीएचडी सेलेक्ट करने के बाद आप पीएचडी के एडमिशन पोर्टल पे चले जाओगे। तो वहाँ पे जैसे ओपन करोगे वहाँ पे आपको दिखेगा एप्लीकेशन पोर्टल फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम 2024-25 सेमेस्टर एट आईआईटी भिलाई इज लाइव नाउ। तो उसके बाद आपको जो भी जितने भी डिपार्टमेंट है, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, साइंस, लिबरल आर्ट्स, सारे के लिए जो है एप्लीकेशन इन्वाइट किए गए हैं। डिपार्टमेंट की डिटेल आपको यहाँ पे मिलेगा। तो फर्स्ट डिपार्टमेंट है बायो साइंसेज एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, फिर एक केमिस्ट्री, फिर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग है, मैथमेटिक्स है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है और फिर फिजिक्स है। ठीक है, तो ये सारे डिपार्टमेंट्स है। फिर यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन किया हुआ है। तो अगर आप एप्लीकेशन कर रहे हैं तो आपको एटलीस्ट वन ऑफ दिस फाइव एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप होने चाहिए। तो फर्स्ट है आपका मास्टर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी विद 60% मार्क्स, या फिर आपका बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी विद 60% मार्क्स, और आपका मास्टर डिग्री इन साइंस आर्ट सोशल साइंस विद फर्स्ट क्लास दैट इज 60% मार्क्स। अगर आपका एम फार्मा है तो 60% मार्क्स होने चाहिए। एम बी बी एस बी डी एस है तो भी आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। एस सी एस टी के लिए 5% रिलैक्सेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो ये पांचों में से एक कोई भी आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। उसके बाद एडिशनल रिक्वायरमेंट है कि आपका वैलिड गेट जीपैट स्कोर होना चाहिए। ठीक है, डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पे फिर मेंशन किया हुआ है कि कौन से डिपार्टमेंट के लिए क्या दिया रहेगा, या फिर आपका जेआरएफ वगैरह होना चाहिए, या फिर 2 ईयर का मिनिमम प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। बीटेक फ्रॉम आईआईटी है तो आपका सीजीपीए 8 होना चाहिए, और एमबीबीएस के लिए आपका नीट पीजी, नीट एम्स, ये सब होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर द पीएचडी के लिए। ठीक है, फिर यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज डिसिप्लिन वाइज दिया हुआ है स्पेसिफिक क्राइटेरिया फॉर एडमिशन। तो फर्स्ट जो है बायो साइंसेज एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, आपका यहाँ पे वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए इन बीएम, बीटी, सीएस, सीएस, सीवाई। तो ये गेट के जो शॉर्ट फॉर्म है डिपार्टमेंट के, उसमें आपका होना चाहिए या फिर आपका जेआरएफ होना चाहिए। केमिस्ट्री के लिए भी दिया हुआ है यूजीसी नेट, एलएस, जेआरएफ हो सकता है आपका, और गेट के लिए सीवाई होना चाहिए। तो सारे यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, तो उस हिसाब से आप चेक कर सकते हैं आपका है या नहीं, और उस हिसाब से एप्लीकेशन कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एप्लीकेशन कैटेगरीज मेंशन की हुई, तो फर्स्ट है इंस्टीट्यूट फेलोशिप, सेकंड है स्पॉन्सर फुल टाइम जो कि जेआरएफ वगैरह रहेगा, फिर स्पॉन्सर पार्ट टाइम है, एक्सटर्नल फुल टाइम है, एक्सटर्नल पार्ट टाइम है। तो फर्स्ट जो है इंस्टीट्यूट फेलोशिप, तो इसमें जो भी अप्लाई कर रहे हैं उनको जो फेलोशिप है वो एम एच आर टी की तरफ से मिलेगा जो कि 37,000 पर मंथ रहेगा। सेकंड है स्पॉन्सर फुल टाइम जिनका जे आर एफ है, इस बार फेलोशिप है उस हिसाब से आपको फेलोशिप मिलेगी। फिर स्पॉन्सर पार्ट टाइम है तो ये प्रोफेशनली एम्प्लॉय जो लोग हैं वो पार्ट टाइम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 2 ईयर का एक्सपीरियंस लगेगा आपको और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगेगा। एक्सटर्नल फुल टाइम के लिए भी आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगेगा, एक्सटर्नल पार्ट टाइम के लिए भी आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगेगा।
यहाँ पे एरिया ऑफ रिसर्च मेंशन किए हुए हैं, तो जो भी डिपार्टमेंट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप एरिया ऑफ रिसर्च चेक कर सकते हैं। फिर यहाँ पे गाइडलाइंस की हुई है एप्लीकेशन करने के लिए, तो एप्लीकेशन करने के लिए आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है और फिर आप उनके एप्लीकेशन पोर्टल पे चले जाओगे। फिर यहाँ पे टेंटेटिव डेट दी हुई है, शेड्यूल दिया हुआ है, तो शेड्यूल जो है तो एप्लीकेशन जो है 18 मार्च से स्टार्ट हो चुके हैं, लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन करने की वो 30 अप्रैल है, तो उससे पहले जो है आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और एंट्रेंस टेस्ट, रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू जो है 24 मई से स्टार्ट होगा। एप्लीकेशन की प्रोसेस यहाँ पे मेंशन की हुई है, अप्लाई ऑनलाइन करना है, फिर फाइनलाइजेशन, फिर डायरेक्ट पेमेंट करना है, ठीक है। तो पेमेंट आपका 100 रुपीज है फॉर SC ST PWD और फीमेल कैंडिडेट के लिए, और बाकी अदर कैंडिडेट के लिए 200 रुपीज है, जो कि आपको SBI कलेक्ट थ्रू पे करना है, जिसमें आपको SBI कलेक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करना है, फिर IIT भिलाई सिलेक्ट करना है, फिर आपको पेमेंट डिटेल एंटर करनी है, एप्लीकेशन फीस का डिटेल करना है, ये लिखना है आपको, वहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कैटेगरी और उस हिसाब से आपको एप्लीकेशन जो पे है एप्लीकेशन फी का पेमेंट करना पड़ेगा, और जो भी ट्रांजैक्शन आईडी का रेफरेंस नंबर रहेगा वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म में डालना है। अप्लाई करने के लिए अप्लाई नाउ पे यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं या ऊपर भी दिया हुआ है, तो जो कि हमने ऑलरेडी ओपन कर लिया है। तो जो लोग नए कैंडिडेट है वो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर सकते हैं, और अब ये यहाँ पे आपका कौन से प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो वो डिपार्टमेंट डालना है, फुल नेम, यूजर आईडी, कुछ डिटेल्स डाल के आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। एक बार सबमिट होने के बाद आप फिर यहाँ पे आपका यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के सबमिट करोगे, तो उसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर कुछ भी डाउट रहे तो ये साइड में इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो उस हिसाब से आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। मेरे चैनल पे भी इसका वीडियो अवेलेबल है, तो उससे उसको भी आप देख सकते हैं। तो ध्यान रखिए आपको 30 अप्रैल से पहले जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।